सलमान की राधे का कौन सा सॉन्ग शूट होना बाकी है? राधे के मेकर्स क्या राधे को सूर्यवंशी के साथ रिलीज करने का रिस्क लेंगे? अगर सूर्यवंशी और राधे एक साथ रिलीज होती है तो कौन मारेगा बाजी? और सलमान खान ने बिग बॉस 14 की फीस क्यों बढ़ा दी है? राधे का सभी को इंतजार हो रहा है और राधे की थोड़ी बहुत शूटिंग बाकी है और इसमें एक जैकलिन का आइटम सॉन्ग होने वाला है और लगता है कि इसी गाने की शूटिंग अभी बाकी है और फिल्म के कुछ सीन शूट होने बाकी है, यानी 30-40% शूटिंग अभी बाकी है। वहीं सूर्यवंशी की पूरी शूटिंग हो चुकी है। अब सवाल ये है कि सूर्यवंशी के साथ क्या राधे को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि सूर्यवंशी की डेट अनाउंस हो चुकी है कि दिवाली के मौके पर ही सूर्यवंशी को रिलीज़ किया जाएगा। वहीं राधे के मेकर्स भी चाह रहे हैं कि दिवाली के मौके पर ही राधे को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से सलमान खान पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फिल्मों को बायकॉट करने की बात की जा रही है। सुशांत के फैंस ऑलरेडी बहुत भड़के हुए हैं और साथ ही सलमान खान के फैंस में भी गुस्सा नजर आ रहा है और वो सलमान खान पर भरोसा अब नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या सूर्यवंशी के साथ राधे को रिलीज किया जाएगा और अगर ये दोनों एक साथ रिलीज होती है, अगर इनमें क्लैश होता है तो कौन आगे निकलेगा, इस पर भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सूर्यवंशी में अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है, बहुत वजन ऑलरेडी इस फिल्म का बढ़ चुका है और सभी को सूर्यवंशी का बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। ऐसे में सलमान खान की फिल्मों की इमेज खराब होने की वजह से राधे को नुकसान जरूर हो सकता है और सूर्यवंशी आगे निकल सकती है। वहीं सलमान खान प्रिटेंड कर रहे हैं कि इस सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और सोशल मीडिया पर आए दिन वो अपने फोटोज पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी वर्कआउट का फोटो पोस्ट किया था और साथ ही आपको बता दें कि बिग बॉस 14 को भी वो जल्द ही होस्ट करने की तैयारी में है। बिग बॉस 14 के जो मेकर्स हैं उन्होंने तैयारी कर ली है और अक्टूबर में ये शो ऑन एयर हो सकता है। कोरोना के चलते अब इजाज़त दे दी गई है कि टीवी शोज की शूटिंग शुरू की जा सकती है और खबरें हैं कि बिग बॉस 14 के लिए सलमान खान ने अपनी फीस बढ़ा दी है। एक शो के लिए वो 16 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। आपको बता दें बिग बॉस 13 के लिए उन्होंने 12 से 14 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और ये भी माना जाता है कि सलमान खान हर सीज़न के बाद अपनी फीस बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है। वहीं मेकर्स भी इस बार बिग बॉस 14 की तैयारियों में जुट गए हैं और उन्होंने सावधानी बरतने के लिए सब कुछ प्लानिंग कर ली है। कंटेस्टेंट्स का टेस्ट कराया जाएगा कोरोना वायरस का, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो और साथ ही इस बार बिग बॉस 14 और भी ज़्यादा मज़ेदार करने की तैयारी में मेकर्स है। आप सभी जानते हैं बिग बॉस का सभी को इंतज़ार रहता है। अब देखना ये होगा कि अक्टूबर में ये शो ऑन एयर किया जाएगा या नहीं, साथ ही दिवाली में राधे और सूर्यवंशी का क्लैश होता है या नहीं। अगर हुआ तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए अपनी राय और इसी तरह के बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए